तीरंदाजी विश्व कप में भारत की महिला रिकर्व टीम ने फाइनल मुकाबले में चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दीपिका बोम्बाइल और रिमिल की टीम ने खिताबी मुकाबले में चीन की टीम को शिकस्त दी। तीरंदाजी विश्व कप में भारत की पुरुष टीम ने भी कंपाउंड श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। रजत चौहान, संदीप कुमार और रतन सिंह खुरे जाम की भारतीय टीम ने एक कड़े मुकाबले में मेजबान टीम कोलंबिया को 215-210 से शिकस्त दी। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के पंचायत चुनाव में आज 4 जिलों में वोट डाले जाएंगे। इनमें नादिया, बीरभूम, मालदा और मुर्शिदाबाद शामिल हैं। मुर्शिदाबाद में कल हुई चुनावी हिंसा में 3 लोग मारे गए। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। शांतिपूर्वक मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन आज अपनी पहली भारत यात्रा पर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का 2 दिवसीय मीडिया सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है, जिसमें अगले लोकसभा चुनाव से पहले लोगों के समक्ष संप्रग सरकार की उपलब्धियों को पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात नाजुक हैं। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण 200 घरों में पानी भर गया है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित गांवों में ग्राम पंचायत चुनावों का पहला चरण स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। ये चुनाव राज्य के 6 जिलों में होने थे। बिहार में हायाघाट से भाजपा विधायक अमरनाथ गामी को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बयानबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद पार्टी कुछ विधायकों के पार्टी छोड़ने की धमकी की भी खबर है। श्रीनगर और अन्य प्रमुख शहरों से कल कर्फ्यू हटा लिया गया। हालांकि बंद के कारण दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। इस बीच कल से फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। चीन की सेना द्वारा लद्दाख की सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार कर एक बार फिर घुसपैठ की खबरों पर व्यापक प्रतिक्रिया आई है। खबरों के अनुसार हाल की ये घुसपैठ पूर्वी लद्दाख की है। इस पर भारत ने कहा है कि वो सीमा पर हर स्थिति से निपटने में सक्षम है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सत्तारूढ़ गठबंधन ने देश की संसद के ऊपरी सदन के चुनाव में निर्णायक जीत हासिल कर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। जापान के NHK रेडियो के मुताबिक गठबंधन को 71 सीटें मिली हैं। मिस्र में संविधान विशेषज्ञों की समिति ने राजनीतिक विरोध के बावजूद संविधान संशोधन का काम कल से शुरू कर दिया। समिति की पहली बैठक कल संसद के अंदर हुई। दक्षिण पश्चिम कोलंबिया में झड़पों में वामपंथी फोर्स विद्रोही गुट के 6 विद्रोही और 4 कोलंबियाई सैनिकों की मौत हो गई है। ये झड़प एल डोनसेलो शहर में हुई। इस शहर को रिवॉल्यूशनरी आर्म फोर्सेस ऑफ कोलंबिया का गढ़ माना जाता है। उत्तरी सीरिया के एक शहर में कल सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर सरकारी बलों ने मोर्टार के गोले दागे, जिसमें कम से कम 20 नागरिकों की मौत हो गई। इफ्तार से कुछ ही घंटों पहले अहिरा में ये गोले दागे गए। पाकिस्तान के कराची शहर में कल रात एक राजनीतिक दल के कार्यालय पर हुए हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने 347 रन से इस टेस्ट को जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 583 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 235 रन पर ही ढेर हो गई। इंग्लैंड ने अब 5 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। इंडियन बैडमिंटन लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज राजधानी में होगी। इस नीलामी में मुख्य निगाहें भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मलेशिया के ली चोंग वेई पर होंगी।
वरिष्ठ अभिनेता मनोज कुमार को गॉल ब्लैडर में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनोज कुमार का दो दिनों से अंधेरी स्थित कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज चल रहा है। और मशहूर गायक मुकेश की आज 90वीं जयंती है। उन्होंने आवारा, श्री 420, संगम, अनारी, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों में आवाज देकर अपने गीतों को हमेशा के लिए यादगार बना दिया।